आज हम आपको संत शिरोमणि रामदेव पार्क घुमाएंगे। हम चल रहे हैं आज पार्क में मॉर्निंग वॉकिंग पे, और इस पार्क की सुंदरता को हम आप सबको दिखाएंगे मॉर्निंग वॉकिंग करते हुए और योगा करते हुए। सभी पार्क में सुबह के समय पब्लिक आते हैं और योगा करते हैं, और योगा और ध्यान में मगन। अब चलते हैं आगे की पार्क की। ये जिम की व्यवस्था है, अब देख रहे हैं कुछ लोग योगा करते हुए और जिम करते हुए। यह है पार्क की खूबसूरती। पार्क में योगा करते हुए सभी लाभार्थी। पार्क का बहुत ही अच्छा व्यवस्था, अच्छी सुंदरता और हरियाली है। काफ़ी अच्छी देख रेख के साथ मॉर्निंग वॉकिंग करते हुए सभी पब्लिक, योगा करते हुए बच्चे और बुजुर्ग, खूबसूरत पार्क। यह पार्क बनाया गया है, उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हुआ है, और इस पार्क की खूबसूरती को देख के मुझे लगा कि आप सबको भी एक बार इस पार्क के बारे में जानकारी दे दें। बहुत सुंदर पार्क। मॉर्निंग वॉकिंग पे सभी आए हुए, वॉक करते हुए, स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखते हुए आज सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए पार्क में मॉर्निंग वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए। पार्क की सुंदरता बहुत सुंदर, शानदार। सुंदर पार्क, यहाँ फूल भी है, और ये फूल आप देख रहे हैं बहुत सुंदर फूलों से ये बैठक है। यहाँ पे अच्छा व्यवस्था बैठने की है, और जॉगिंग करते हुए बच्चे, और यहाँ बोनसाई बांस बम्बूज, इस बांस, और यहाँ डस्टबिन की भी, कि कोई कूड़ा कचरा रखना हो तो डस्टबिन में रख दिया जाए। बहुत सुंदर व्यवस्था, और यहाँ पे आनंद लेते हुए जय श्री। बहुत सुंदर पार्क, और पार्क में घूमने का फायदा, ये अच्छी बात है। महिलाएं भी योगा करने लगी हैं। हाँ, ज़्यादा महिलाएं आती हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, आ रहे हैं, आप ही के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। आप लोग रोज आते हो योगा करने, ये बहुत अच्छी बात है, है ना। महिलाओं को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, घर परिवार तो महिलाएं ही संभालती हैं। अच्छा जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है जी। रोज़ाना आ पाते हो हैं, काफ़ी महिलाएं रहती हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा इस पार्क की सुंदरता औरों को भी दिखाना चाहता हूँ। यू पार्क में सभी पब्लिक मॉर्निंग वॉकिंग और योगा करते हुए, महिलाएँ भी अपने आप को फिट रखने के लिए पुरुष के साथ
कदम से कदम मिलाते हुए। और जो ये पार्क है जिसकी सुंदरता आप देख रहे हो, इस पार्क का जो नाम है वो है नॉर्दर्न रेलवे के नाम से। ये इसी रेलवे की प्रक्रिया द्वारा बनाया हुआ पार्क है। और ये आपने देखा है कि यहाँ पे सभी भाई अपने आप को दुरुस्त और व्यायाम करने की कोशिश रोज करते। अब हम पार्क से बाहर चलते हैं और जिस मेन गेट से मैंने एंट्री की है उसी मेन गेट पे एंट्री पे चलते हैं एग्जिट के लिए। पहला लेफ्ट साइड से एंट्री मैंने की थी और अब राइट साइड से हम एग्जिट करेंगे। और यहाँ से रेलवे की ओवरब्रिज भी दिख रहा है, जहाँ से पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा टू व्हीलर फोर व्हीलर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते हो। ऊपर से ओवरब्रिज का सीन आप देख सकते हो। बहुत सुंदर पार्क, बहुत अच्छा पार्क, और सभी बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब के सब इस पार्क की सुंदरता। और यहाँ पे बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति। और हम अब मेन गेट से फिर सेम एग्जिट करेंगे और यहाँ से एग्जिट करते हुए हम भी चलते हैं। अब यहाँ से सभी बंदे पार्क का आनंद उठाते हुए योगा जॉगिंग करते हुए, और बाहर सब अब निकलने का टाइम हो गया, सभी की ड्यूटी का टाइम है। आप देख रहे हो सोलंकी फैमिली ब्लॉग चैनल। आप सभी सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और फिर आप इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आ रहे हैं सोनीपत जंक्शन में, ये फैसिलिटी चालू हो चुका है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से सेकंड लिफ्ट जो जा रही है ये खाली है। अभी किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। ये बंदे पैसेंजर के तौर पे नीचे जा रहे हैं। ओके 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 ओके, ये बच्चे खुश होते हुए अपना वीडियो देख करके। और एक बार यहाँ से बच्चे इस लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। यहाँ की लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है सोनीपत जंक्शन हरियाणा, और यहाँ पे पब्लिक आते हुए लिफ्ट की स्टार्टिंग हो चुकी है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, आप बुजुर्ग हो या सीढ़ी पे आना चाहते हो तो आप लिफ्ट से आ सकते हो। इसका सरकार ने एक अच्छा व्यवस्था दी है। रेलवे की प्रोग्रेस सोनीपत जंक्शन पे आप देख रहे हो, बच्चे ऊपर आते हुए। ये बच्चे जंक्शन सोनीपत में लिफ्ट स्टार्ट होने के बाद, जिस पैसेंजर को पता है वो इसी लिफ्ट से आते हैं, और अच्छा भी है, ज़्यादा थकावट की जरूरत नहीं होती। लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है और ये बच्चे अभी जंक्शन पे, सोनीपत जंक्शन पे हो। आ जाओ आ जाओ, ये फर्स्ट बार लिफ्ट का लुत्फ उठाते हुए बच्चे थोड़ा डर रहे हैं, और मैं भी कहीं ना पर जाऊं इसलिए मुझे भी इधर आना होगा। ये बच्चे, जा बेटे जा जा,
ये लिफ्ट पे आते जाते बच्चे खुश हो रहे हैं। सोनीपत जंक्शन पे स्टार्ट हो चुकी है ये लिफ्ट। इस लिफ्ट का लुत्फ उठाते हुए सभी बच्चे और जो पब्लिक जिन्हें पता है लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है उस विषय में, तो ये सारे बच्चे जा रहे हैं लिफ्ट से। अभी सोनीपत जंक्शन पे ट्रेन जाती हुई, यह ट्रेन अम्बाला की तरफ जा रही है। हम अभी आपको बताएंगे ट्रेन का नाम, अम्बाला छावनी जा रही है यह ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन में इस समय कोई ड्यूटी का आवर है नहीं, इसलिए लगभग पैसेंजर खाली है। अम्बाला छावनी तक जाती हुई ट्रेन, दिल्ली टू अम्बाला छावनी सोनीपत जंक्शन। यहाँ नए प्लेटफॉर्म बनता हुआ और कर्मचारी स्टाफ लगा हुआ है सोनीपत को चमकाने में। ये सोनीपत जंक्शन है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रेन खड़ी है जो अम्बाला छावनी तक जाएगी। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, अम्बाला छावनी तक जाने वाली ट्रेन अभी आके रुकी है। पब्लिक पैसेंजर्स इंतजार करते हुए अपने अपने गंतव्य तक जाने के लिए। पैसेंजर अभी दिन में 1:52 हो चुका है, यानी 1:52 का समय है और पैसेंजर स्टेशन पे, सारी सुख सुविधाएं स्टेशन पे है। पहले ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं था, इस प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है और ये काम पूर्ण रूप से बढ़ाया जा रहा है। अब ये दिल्ली से आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुल रही है। फिलहाल हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं और ये ट्रेन अब अम्बाला छावनी की तरफ जा रही है। स्टार्ट हो चुकी है, मूव कर रही है ट्रेन। ऊपर देख रहे हैं पैसेंजर भी ट्रेन से उतर कर पैदल पथ गांधी से ऊपर जा रहे हैं और पुल के मार्ग से बाहर निकलते हुए। इस ट्रेन का नाम हम आपको बताएंगे 14552 है, जो दिल्ली से चलकर अम्बाला छावनी तक जाती है। बोगी नंबर 6, 7, 8, बोगी नंबर 9, बोगी नंबर 10 एंड बोगी इंटरसिटी एक्सप्रेस।